दोस्तों, हर देश की एक अलग पहचान होती है। कोई देश महान होता है जैसे भारत, तो कोई देश टेक्नोलॉजी के मामले में आगे होता है जैसे जापान। लेकिन कुछ देश ऐसे भी होते हैं जिन्हें महानता और टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं होता। ये देश अपने अजीबोगरीब कानूनों के चलते लोगों की आंखों और जुबान पर बराबर बने रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। इस देश ने सारी खूबसूरती मानो अपने देश की लड़कियों को ही दे दी हो, जो फ्रांस के मर्दों पर इस्तेमाल करके इसका खूब फायदा उठा रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको फ्रांस के बारे में कुछ वियर थिंग्स और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे, जिनको सुनने के बाद आप अपने कानों और आंखों पर भी यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बताने से पहले प्लीज दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, फ्रांस एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत देश है। यहाँ की खूबसूरती यहाँ की एक एक चीज पर झलकती है, चाहे वो यहाँ पर मौजूद एफिल टावर हो या फिर यहाँ की लड़कियाँ हों। यहाँ रहने वाले लड़कों को अपना दीवाना बना रखा है और यहाँ के लड़के हैं कि कंट्रोल से ही बाहर हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। और आलम तो यहाँ ये हो गया है कि यहाँ के बच्चों को अपने पिता का नहीं पता कि उनका असली पिता कौन है, जिसके बाद फ्रांस की गवर्नमेंट ने यहाँ ये रूल निकाला है कि यहाँ पर मरे हुए इंसान की भी शादी कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ के लोग बिना शादी किए ही लिविंग में रहते हैं और बच्चे भी पैदा कर देते हैं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनकी शादी का ख्याल भी उनके दिमाग से ही निकल जाता है। लेकिन जब उनके पार्टनर की डेथ होती है तब उन्हें याद आता है और तब वो शादी करते हैं। फ्रांस में कई बार ऐसा हुआ है जिसके बाद मुर्दा इंसान से शादी करने का रूल फ्रांस गवर्नमेंट को निकालना पड़ा। लेकिन ऐसा करना यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस का एक ऐसा रूल बताएंगे जो वहाँ की महिलाओं का आपके आगे एक नया ही रूप दिखाएगा। दोस्तों, एक समय था जब फ्रांस की महिलाएं अपने पति की अनुमति के बिना पासपोर्ट नहीं बनवा सकती थी, बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकती थी और तो और वो बाहर किसी जॉब के लिए भी नहीं जा सकती थी। लेकिन सन 1965 से फ्रांस गवर्नमेंट ने महिलाओं के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिया और कहते हैं कि इसके बाद से ही फ्रांस की महिलाओं को इतनी आजादी मिल गई कि आज फ्रांस की महिलाएं भरपूर रोमांस के लिए जानी जाती हैं। क्या बात है यार, मतलब फ्रांस की महिलाओं ने सच में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। दोस्तों, इसके अलावा भी फ्रांस के होटल्स में आपको एक अजीबोगरीब चीज देखने को मिल सकती है। वहाँ अगर आप होटल्स में जाते हैं तो आपको हेलो, हाय, प्लीज और हाउ आर यू जैसे शब्दों का ना चाहते हुए भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप इन बातों को बोलकर शिष्टाचार और सज्जनता दिखाते हैं तो इसके आपको दो फायदे हो जाएंगे। पहला, आपसे वहाँ के होटल्स और रेस्टोरेंट वाले बहुत ही पोलाइटली पेश आएंगे और दूसरा, वहाँ पर आपको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा जो कि वहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट को दिया जाता है। लेकिन अगर आप चुपचाप रहते हैं तो आपसे रेस्टोरेंट में चीजों के जरूरत से ज्यादा दाम लिए जाएंगे, जो कि सच में एक अजीब बात है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, फ्रांस गवर्नमेंट ने फरवरी 2016 से होटल्स और रेस्टोरेंट वालों के लिए एक रूल्स बनाया है। वह अपने होटल्स और रेस्टोरेंट में बचे हुए खाने को फेंकेंगे नहीं, जो रेस्टोरेंट वालों का खाना बच जाएगा वो वहां के गरीबों में बांट दिया जाएगा और जो सुपरमार्केट में खाने के पैकेट्स बच जाएंगे वो फ्रांस के फूड बैंक डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। वैसे ये रूल अच्छा है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस के बारे में एक ऐसा रूल बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप अपना सर पकड़ लेंगे। दोस्तों, फ्रांस के स्कूल्स में 10th क्लास में पहुंचते ही लड़की और लड़का दोनों को ही सेक्स के बारे में डिटेल से एजुकेशन दी जाती है और बाकायदा इसका सब्जेक्ट भी होता है जिसको वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए लेना कंपलसरी होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्रांस के 90% से ज्यादा स्कूलों में कॉन्डम के लिए वेंडिंग मशीन लगाई गई है। इस पर फ्रांस गवर्नमेंट का कहना है कि स्कूल में ये वेंडिंग मशीन इसलिए लगाई गई है जिससे स्टूडेंट्स सेफली सेक्स कर सकें और स्कूल में पढ़ने वाली फीमेल्स को अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा ना हो। अब दोस्तों, जिस देश के स्कूलों में ही ऐसी बातें पढ़ाई जाएंगी उस देश के नौजवान बड़े होने के बाद कैसे होंगे, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। फ्रांस दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन चुका है जहां के युवक और युवतियां कार और रोड पर भी सेक्स कर लेते हैं। अब दोस्तों, फ्रांस है तो ये तो पॉसिबल ही है। तो दोस्तों, आपको फ्रांस के ये अजीबोगरीब रिवाज कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।